हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे एडिंग टू टेबल्स ऑफ नंबर। कि अगर हमारे पास दो टेबल्स दी हुई हैं जिसके अंदर नंबर स्टोर हैं, उनको हमें ऐड करके उसका रिजल्ट हमें तीसरी टेबल में स्टोर करना है। तो हालांकि ये प्रोग्राम देखिए हम पिछले वीडियो लेक्चर में बना चुके हैं, लेकिन उसमें क्या था कि वो हमने कन्वेंशनल मैनर बनाया था। कन्वेंशनल मतलब कि उसमें क्या था कि हमने दो तीन टू डायमेंशनल एरे ली थी विच वर डिफाइंड एंड प्रोसेस्ड इन द कन्वेंशनल मैनर। यहाँ पे आज इस प्रोग्राम में हमने क्या किया है कि ईच टू डायमेंशनल एरे इज डिफाइंड एज एन एरे ऑफ पॉइंटर्स टू ए सेट ऑफ वन डायमेंशनल इंटीजर एरे। तो यहाँ पे हमने पॉइंटर्स का यूज़ किया हुआ है। तो अब इसमें क्या करेंगे, मान लीजिए हम इसको प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं, तो ऑब्जेक्टिव तो आपको पता चल गया, एडिंग ऑफ टू टेबल ऑफ नंबर। सबसे पहले मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा कमेंट लाइन, कैलकुलेट द सम ऑफ द एलिमेंट्स, कैलकुलेट द सम ऑफ एलिमेंट्स इन टू टेबल, इन टू टेबल्स ऑफ इंटीजर्स। टू टेबल्स ऑफ इंटीजर्स का हमको सम करना, ये हमने कमेंट लाइन में लिख दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, और अगर हमें कोई चीज़ डॉक्यूमेंटेशन के लिए लिखनी है तो फिर से कमेंट लाइन लिखेंगे। अब लिखेंगे ईच टू डायमेंशनल एरे इज प्रोसेस्ड एज एन एरे ऑफ पॉइंटर्स टू ए सेट ऑफ वन डायमेंशनल इंटीजर एरे। तो ये भी हम यहाँ पे समझाने के लिए लिख देते हैं कि ईच टू डायमेंशनल एरे, टू डायमेंशनल एरे इज प्रोसेस्ड, ठीक है, एज एन एरे ऑफ पॉइंटर, एज एन एरे ऑफ पॉइंटर्स टू ए सेट ऑफ, टू ए सेट ऑफ वन डायमेंशनल एरे। ठीक है, ये हमने समझने के लिए लिख दिया, ठीक, कि एरे ऑफ पॉइंटर्स की तरह से प्रोसेस किया जाएगा। अब उसके बाद हमने सबसे पहले क्या किया, जो भी हमारी जरूरी हेडर फाइल्स हैं, तो हमने लिखा इंक्लूड stdio.h, उसके बाद हमने लिखा इंक्लूड स्टूडियो लाइब्रेरी डॉट एच, तो इंक्लूड stdlib.h। उसके बाद मान लीजिए यहाँ मैक्सिमम रोज को हमने डिफाइन कर दिया, यहाँ हमने लिखा डिफाइन मैक्स रोज कितना 20। अब उसके बाद यहाँ पे हम फंक्शन प्रोटोटाइप डिक्लेयर करेंगे, तो यहाँ हमने लिखा फंक्शन प्रोटोटाइप, ठीक है। अब इसमें जो जो भी फंक्शन यूज होना है वो हम यहाँ पे उसका प्रोटोटाइप डिक्लेयर कर देंगे। तो पहले हमने यहाँ पे लिखा वॉइड रीड इनपुट, ये फंक्शन का नाम हो गया रीड इनपुट, और इसके जो आर्गुमेंट्स हैं हमने यहाँ पे लिखा इंटीजर ए मैक्स रोज, ये हमने पॉइंटर लगाया, ठीक है, कॉमा इंटीजर एन रोज, कॉमा इंटीजर एन कॉलम्स, ठीक है। एक ये फंक्शन हमने डिक्लेयर किया प्रोटोटाइप उसका। दूसरा वॉइड कंप्यूट सम, तो दूसरा फंक्शन हो गया आपका कंप्यूट सम्स। अब इसके आर्गुमेंट लिखिए, तो हो गया इंटीजर
ए मैक्स रो, मैक्स रोज, फिर दूसरा हो गया इंटीजर बी मैक्स रोज, फिर हो गया जब ये दो टेबल हो गई और तीसरे इसमें स्टोर करेंगे तो फिर हमने लिखा इंटीजर सी मैक्स रोज कॉमा इंटीजर एन रोज कॉमा इंटीजर एन कॉलम्स, ठीक है, ये हमने डिक्लेयर कर दिए इसके आर्गुमेंट। फिर एक और फंक्शन यूज होगा तो उसका नाम है राइट आउटपुट, तो ये हमने लिखा void राइट आउटपुट, ठीक है। अब इसके आर्गुमेंट हमने दिया इंटीजर सी मैक्स रोज, कॉमा इंटीजर एन रोज, कॉमा इंटीजर एन कॉलम्स, ठीक है। ये जो तीनों फंक्शन यूज होने हैं कौन कौन से, रीड इनपुट, कंप्यूट सम्स और राइट आउटपुट, ये आगे फंक्शन में प्रोग्राम में यूज होंगे, तो ये इसको हमने फंक्शन प्रोटोटाइप यहाँ डिक्लेयर कर दिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम मेन फंक्शन डिफाइन करते हैं। तो अब आ जाइए नेक्स्ट पेज पे, यहाँ हमने लिखा मेन इसके अंदर वेरिएबल डिक्लेयर किया इंटीजर रोज, इंटीजर रोज या इंटीजर हमने कहा रो कॉमा एन रोज कॉमा एन कॉलम्स, ये डिक्लेयर किया हमने। और पॉइंटर डेफिनेशन, तो पॉइंटर डेफिनेशन हम यहाँ डिफाइन, जैसे यहाँ पे हमने कहा कि पॉइंटर डेफिनेशंस, पॉइंटर को यहाँ डिफाइन कर देंगे, तो ये हो गया इंटीजर ए मैक्स रोज कॉमा बी मैक्स रोज कॉमा सी मैक्स रोज, ठीक है। अब उसके बाद हमने कहा कि प्रिंट एफ किया हमने, प्रिंट एफ, और इसमें पूछा हाउ मेनी रोज, हाउ मेनी रोज, ठीक है, और कितनी रोज है, तो ये हमने स्कैन एफ कर दिया, इसको इनपुट करेंगे तो हमने स्कैन एफ किया परसेंटेज डी कोट्स क्लोज्ड कॉमा एम परसेंट, और यहाँ लिख दिया हमने एन रोज, तो जितनी रो है वो यहाँ पे हम एंटर कर देंगे। फिर हमने कहा हाउ मेनी कॉलम्स, तो हमने कहा फिर लिखा प्रिंट एफ हाउ मेनी कॉलम्स, ठीक है। फिर इसकी वैल्यू स्कैन एफ करेंगे, इनपुट करेंगे परसेंटेज डी कोर्स क्लोज कॉमा एम परसेंट एन कॉलम्स, ये हो गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, चूंकि यहाँ पे पॉइंटर का यूज कर रहे हैं तो हम इनिशियल मेमोरी एलोकेट करेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एलोकेट इनिशियल मेमोरी, ठीक है। अब यहाँ हमने लिखा फॉर रो इक्वल टू जीरो
row is less than n rows or plus plus row, और ये फॉर का लूप चलेगा। अब इसमें हम क्या लिखते हैं, इसमें हम लिखेंगे a row is equal to a row is equal to integer malloc memory allocation function यूज करेंगे, यहां लिखेंगे n columns size of integer, ठीक, ये हो गया। इसी तरह सेम हम लिख देंगे b row के लिए, सेम लिख दीजिएगा, और ऐसे हम लिख देंगे c row के लिए, ये यहाँ भी सेम लाइन एज इट इज आ जाएगी। और उसके बाद हम क्या करेंगे, ये इनिशियल मेमोरी एलोकेट हो जाएगी ए बी सी में, यहाँ पे हम फॉर का लूप क्लोज कर देंगे, ठीक। अब उसके बाद क्या होगा, अब आपको फर्स्ट टेबल सेकंड टेबल इसमें आपको रीड इनपुट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि प्रिंट एफ /n/n, ठीक है, यहाँ हमने लिखा फर्स्ट टेबल, ठीक है, अब यहां पे हमने लिखा रीड इनपुट ए कॉमा एन रोज एन कॉलम एन रोज एन कॉलम्स, ये रीड इनपुट फंक्शन काम करेगा। उसके बाद ऐसे ही सेकेंड टेबल के लिए, तो फिर हमने लिखा प्रिंट एफ /n/n सेकेंड टेबल, ठीक है, फिर यहां से रीड इनपुट हो जाएगा b कॉमा n रोज n कॉलम्स, ये a और b से टेबल्स, a टेबल और b टेबल से वैल्यू रीड कर लेंगे, और रीड करने के बाद क्या होगा कि कंप्यूट सम्स ये फंक्शन कॉल करेंगे a b और c के लिए, और कॉमा यहां हम लिख देंगे n रोज n कॉलम्स, ये सम हो जाएगा। और जब सम होने के बाद फिर हमें एलिमेंट्स को प्रिंट कराना है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, print f /n/n sums of the element /n/n quotes closed, ठीक है, और प्रिंट कराने के लिए हम राइट आउटपुट फंक्शन यूज करेंगे, राइट आउटपुट, ठीक है, और इसको आर्गुमेंट दे देंगे c कॉमा n रोज n कॉलम, तो जो ऐड होके जो वैल्यू आई है वो प्रिंट हो जाएगी, और यहाँ पे मेन फंक्शन क्लोज कर देंगे। तो इस तरह से ये प्रोग्राम रन करेगा और आपको फाइनल आउटपुट मिल जाएगा। अब इसमें ये जो तीन फंक्शन यूज हुए हैं, ठीक है, इन फंक्शन को भी इसके बाद ही, इन तीनों फंक्शन को, रीड इनपुट को, कंप्यूट सम को, देखिए ये जो तीन फंक्शन है, यहाँ पे हमने शुरू में ही बताया था आपको, यहाँ पे फिर मार्क कर दे रहे हैं, ये रीड इनपुट, कंप्यूट सम्स और राइट आउटपुट, ये तीनों फंक्शन बारी बारी से इसी प्रोग्राम में आगे, ठीक है, आगे मतलब यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन हो गया, फिर दूसरा हो गया, फिर तीसरा हो गया, तब जाके ये प्रोग्राम कंप्लीट होगा। तो इन तीनों फंक्शन की जो बॉडी है उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लिखेंगे, आज लिख देंगे तो अभी लेक्चर भी लेंदी हो जाएगा और आपके समझ में भी नहीं आएगा।
तो अब इसके बाद के जो तीन फंक्शन है, रीड इनपुट, कंप्यूट सम और राइट आउटपुट, इसके बारे में हम लोग, इसकी बॉडी जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में लिखेंगे। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।